हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट -1 to 1 इंटीग्रल एक्स पी एन एक्स ऑफ एक्स पी एन -1 ऑफ एक्स डी एक्स ये किसके बराबर है 2n डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर -1। पी एन एक्स हमारा क्या है? लीजेंड्रे पॉलिनोमियल। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वी नो From recurrence formula first, तो recurrence formula first क्या है हमारे पास? n p n of x this is equal to 2n minus 1 into x p n minus 1 of x minus n minus 1 एन माइनस टू। अब देखो ये हमारे पास रेकरेंस फर्स्ट फार्मूला है। अब हमने यहां पे क्या किया, चेंजिंग एन टू एन प्लस वन वी गेट। अब हमने एन की जगह पे क्या कर दिया, एन प्लस वन कर दिया। तो हमको यहां पे मिल गया एन प्लस वन, यहां मिल गया पी एन प्लस वन ऑफ एक्स। और इधर देखो जब n प्लस वन करोगे तो हमको क्या मिलेगा, 2n प्लस टू और फिर क्या है माइनस वन। क्या आ जाएगा 2n प्लस वन। तो यहां पे हमको क्या मिल गया 2n प्लस वन x। और n प्लस वन यहां करेंगे तो एक वन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिंपली क्या आ गया पी एन ऑफ एक्स माइनस, यहां पे भी n प्लस वन होगा तो हमारे पास क्या आ गया सिंपली है क्या आएगा पी एन माइनस टू ऑफ एक्स। ठीक है जी, हम देखो यहां पे एक्स पी एन ऑफ एक्स आ रहा है, मतलब ये वाली टर्म आ रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस वाले को इधर भेज दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, इसको मैं पहले लिख रहा हूं, हमारे पास क्या आ गया टू एन प्लस वन एक्स पी एन ऑफ एक्स और ई एज इट इज एन प्लस वन पी एन प्लस वन ऑफ एक्स। ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आ गया एन पी एन। अब देखो हमने क्या किया था, एन को एन प्लस वन किया था, तो एन को अगर एन प्लस वन किया था तो हमें यहाँ क्या मिलेगा एन प्लस वन, क्या होगा एन प्लस वन माइनस टू, क्या आना चाहिए एन माइनस वन, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे एन प्लस वन, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ हमारा क्या आएगा वन आएगा। ठीक है, तो ये जब उधर जाएगा तो n आ गया पी एन माइनस वन ऑफ x आ गया। अब हमने क्या किया 2n प्लस वन से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया x पी एन ऑफ x n प्लस वन डिवाइडेड बाय 2n प्लस वन और क्या आ गया पी एन प्लस वन ऑफ x प्लस n बाय 2n प्लस वन पी एन माइनस वन ऑफ एक्स। अब हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन हमको देखो इंटीग्रेट करने से पहले देखो ये चीज तो आ गई एक्स पी एन ऑफ एक्स, लेकिन साथ में चाहिए हमको पी एन माइनस वन ऑफ एक्स। हमने क्या किया पी एन माइनस वन से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, इस पूरी इक्वेशन को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा x पी एन माइनस वन ऑफ एक्स एन प्लस वन टू एन प्लस वन पी एन प्लस वन ऑफ एक्स पी एन माइनस वन ऑफ एक्स प्लस एन टू एन प्लस वन पी एन माइनस वन ऑफ एक्स। अब देखो ये क्या है, ये दोनों क्या आ जाएंगे सेम सेम, तो यहां पे मुझे क्या मिल गया स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब देखो अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हमने क्या किया, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लिया और लिमिट क्या ले ली माइनस वन से वन। तो हमारे पास क्या आ गया लिमिट माइनस वन टू वन एक्स पी एन ऑफ एक्स इंटू पी एन माइनस वन ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये तो कॉन्स्टेंट है तो ये इंटीग्रल से बाहर हो जाएगा क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर क्या आ गया माइनस वन टू वन
पी एन प्लस वन ऑफ एक्स पी एन माइनस वन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एन बाय टू एन प्लस वन इंटीग्रल माइनस वन टू वन पी एन माइनस वन स्क्वेयर ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब हमको ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी पता है इसकी, जेंड्री की ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी क्या कहती है, वी नो लिमिट माइनस वन टू वन पी एन ऑफ एक्स पी एम ऑफ एक्स डी एक्स एक इसके बराबर होता है जीरो इफ एम इज नॉट इक्वल टू एन। अगर क्या एम एन के बराबर नहीं है तो इसकी इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो। मीन्स अगर ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है, जो सबस्क्रिप्ट है अगर ये दोनों डिफरेंट है तो हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। अगर दोनों सेम सेम हो गए एम इक्वल टू एन, देखो अगर एम एन के बराबर हो जाएगा तो पी एन स्क्वेयर एक्स आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, टू बाय टू एन प्लस वन। ठीक है जी, यहाँ अब देखो तो इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाइज ये इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रल माइनस वन टू वन एक्स पी एन ऑफ एक्स पी एन माइनस वन ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पे देखो ये आपका n है पूरा और ये m, अगर ये दोनों डिफरेंट है, अगर जो सबस्क्रिप्ट आ रही है ये दोनों डिफरेंट है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। ये इंटीग्रल जीरो हो गया तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ये जो हमारी ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू तो जीरो होगी तो इसको मैं लिख नहीं रहा, यहाँ आ गया एन बाय टू एन प्लस वन। अब देखो यहाँ पे, अब देखो एन और एम अगर सेम हो गए तो हमको क्या मिल जाएगा, माइनस वन टू वन पी एन स्क्वेयर एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या है, टू बाय टू एन प्लस वन। अगर क्या है एन आ रहा है तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा हमारा, एन की जगह पे क्या आ रहा है, एन माइनस वन। तो यही प्रॉपर्टी तो यही लगेगी, स्क्वेयर आ रहा है, अगर सेम और सेम वैल्यू होगी तभी ना स्क्वेयर होगा, तो एन और एम अगर सेम आ गया तो क्या आ गया, टू बाय टू एन प्लस वन। और क्या बन रहा था, अगर एन और एम सेम आ रहे हैं तो पी एन स्क्वेयर बन रहा है, तो यहाँ पी एन माइनस वन है, तो यानी फार्मूले में क्या आ जाएगा, टू बाय टू एन माइनस वन प्लस वन। तो न्यूमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया, टू एन, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, टू एन प्लस वन। इस टू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या, टू एन माइनस टू प्लस वन आ गया, यानी हमारे पास क्या आ गया, टू एन डिवाइडेड बाय टू एन प्लस वन। अब इधर क्या आएगा, टू एन माइनस वन आ जाएगा, तो क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया, क्या आ गया, फोर एन स्क्वायर माइनस वन। तो ये जो इंटीग्रल हो गया हमारा माइनस वन टू वन एक्स पी एन ऑफ एक्स पी एन माइनस वन ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू टू एन बाय फोर एन स्क्वेयर माइनस वन। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, और यही हमने प्रूव करना था। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।